अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। वीडियो कुछ लेट हुई, मैंने कुछ पहले बनानी चाहा था, कुछ सेल भी चल रही थी, मेरा दिल था उससे रेलिवेंट भी आपको एक वीडियो देता तो मैं नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। वो क्यों नहीं बना सका मैं लास्ट में बताऊंगा। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है होम्बर ईडन रोड की फ्रेगरेंस है। 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 1850 rupees। सेल चल रही थी, सेल के अंदर मेरा दिल था इस पर सेल के अंदर बनाता तो बहरहाल मैं नहीं बना सका। सेल में इसकी प्राइस थी 1480 rupees। बहरहाल अब वो प्राइस हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी वजह ये क्या, वो सेल नहीं चल रही। ये फ्रेगरेंस भी इंटरनेशनल एक ब्रांड है, एक फ्रेगरेंस है, उसकी कॉपी है, वो मैं बताऊंगा किसकी है कॉपी है नेक्स्ट वीडियो में। एक मैंने लास्ट वीडियो में बल्कि वर्साची इरोज की वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं एक ऐसी सीरीज भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे जो पाकिस्तानी जितने भी फ्रेगरेंसेज हैं, बेशक वो बोनांजा की हैं, ईडन ग्रोव की हैं या जियो डॉट की हैं या और अदर ब्रांड्स हैं, वो किस इंटरनेशनल फ्रेगरेंसेज की कॉपी हैं, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। ये फ्रेगरेंस जो है इसी टाइप की एक फ्रेगरेंस जियो डॉट के लाइनअप में भी है, उसकी प्राइस इससे थोड़ी सी ज्यादा है। बहरहाल मैं अभी वो सरप्राइज ही रखूंगा, मैं वो मेरे कलेक्शन में अवेलेबल भी है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या हिंट दूं, आपको लोगों को खुद भी आइडिया हो गया होगा, माशाल्लाह आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं इस बारे में। बहर कैफ हम वीडियो के ऊपर आते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स में जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं, मेरी ओपिनियन है कि वो 90% इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉपी हैं, चंद एक को छोड़ के। हो सकता है वो मेरे मुझे उनकी ओरिजिनल अभी ना मिली हो या मैं उनको टेस्ट ना कर पाया हूँ, ये मेरी पॉसिबिलिटीज हैं। ये लोग एक ट्रिक पता क्या करते हैं, ये अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर ना अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं ताकि वो हमें महसूस ना हो सके कि ये फलां फलां से कॉपी है। यूज करने के बाद आइडिया होता है कि ये किस किस की कॉपी है। बहरहाल अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं, फ्रेगरेंस के ऊपर आते हैं, वीडियो को शॉर्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते, खींचता नहीं हूँ। इसकी फ्रेगरेंस बड़ी स्वीट सी, फ्रेश सी, फ्रूटी सी फ्रेगरेंस है। इसके अंदर जो ओपनिंग है मुझे इसका वनीला भी लगती है, फ्रेगरेंस भी महसूस होती है, एप्पल की फ्रेगरेंस भी महसूस होती है और सैंडलवुड की फ्रेगरेंस भी महसूस होती है। मेन की नोट्स इसके ये तीन ही हैं। इसकी अगर डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो काफी सारे हैं उन्होंने लिखे हुए और फेक लिखे हुए, कुछ टोबैको वगैरह का भी लिखा हुआ है, हालांकि टोबैको की ऐसी फ्रेगरेंस नहीं होती। और इसकी जो ओरिजिनल फ्रेगरेंस है उसमें भी काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो मेन की नोट्स हैं वो ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं। वनीला का थोड़ा सा सॉफ्ट सा, क्रीमी सा, उसके अलावा आपको फ्रेश सा, एप्पल का, सिट्रसी। अच्छा, एप्पल भी इसमें जो ग्रीन एप्पल है ना उसकी फ्रेगरेंस आती है, दूसरे एप्पल की नहीं, तो थोड़ा सा ये सिट्रसी टोन्स आपको देता है, सिट्रसी साइड वाली आपको ग्रीन एप्पल। मैंने एक दफा ना सिल्वर क्लिप्स की वीडियो में भी बताया था, जो मेरी स्टार्टिंग चैनल की वीडियोज थी उसमें भी बताया था, जो ग्रीन एप्पल है वो सिट्रसी टोन्स के ऊपर ही आता है। बहरहाल इसमें भी ग्रीन एप्पल की थोड़ी सी फ्रेगरेंस है, वो फ्लेवर है, वो आपको सिट्रसी टोन्स का भी फ्लेवर आपको हल्का सा देता है। बहरहाल फ्रूटी टोन है इसके अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर एक सैंडलवुड की थोड़ी सी सॉफ्टनेस सी, मिठास सी, बल्कि मैंने एक वीडियो काफी अरसे से सोचा था मैं बनाऊंगा सैंडलवुड के ऊपर। मेरे पास अजमल की एक संदलिया पड़ी हुई है, उसके ऊपर मैं कब का सोचा कि बनाऊं देसी अतर्स के हवाले से, काफी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की, मैं वो नहीं बना सका। तो मेरी कोशिश है, बल्कि आजकल तो कुछ लॉकडाउन भी है, कुछ चीजें अवेलेबल भी नहीं हो रही, मेरे पास जो चीजें रहती हैं बेहतर होगा मैं इंशाल्लाह उन पर डिस्कस करूँ। बहरहाल अगेन वीडियो के ऊपर आते हैं, फिर वीडियो कहीं से कहीं निकल जाती है। फ्रेगरेंस ये बेहतर है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते, एवरेज परफॉर्मेंस है। किसी ने भी बाय करनी हो फर्स्ट इसे टेस्ट करके बाय करें, प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिसेंट फ्रेगरेंस है, मुझे ये बेहतर लगी। इसकी बड़ी आपको ना बबल गम टाइप, बड़ी स्वीट सी, बड़ी डिफरेंट सी फ्रेगरेंस महसूस होती है इन शॉर्ट। पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैंने जो वीडियो लास्ट बनाई थी फ्लीट, उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी वीक थी, इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन इस तरह है, जो इसकी लास्टिंग है अप्रोक्सीमेट 5 से 6 घंटों के आसपास, मैं बड़ी टाइट मार्किंग बता रहा हूँ और इन दिनों के क्लाइमेट के हिसाब से बता रहा हूँ, गर्मी में थोड़ी सी वीक भी हो सकती है। और इसका जो चार्ज है वो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास अच्छी, मतलब एकदम ये लगाने से ना एकदम फैलती है, एक फ्रेगरेंस ये वाली फैलती है, एक अच्छा सा क्लाउड आगे इर्द गिर्द बनाती है। मेरा अंदाजा है कि वो क्लाउड जो है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है 1 से 1.5 घंटे के आसपास तक, उसके बाद वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है ये फ्रेगरेंस, और यहाँ तक कि ये आपके बिल्कुल क्लोज हो जाती है। फ्रेगरेंस अगर किसी भाई ने ये यूज की है तो मुझे अपनी ओपिनियन शेयर करें।
और हाँ, ईडन रोड की फ्रेग्रेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक ही फ्रेग्रेंस रह गई है, और ये ईडन रोड की तकरीबन मेंस का लाइनअप तकरीबन तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। मुझे एक दो भाई ने रकीद के बारे में भी कहा, रकीद की वीडियो बनाई ईडन रोड की, देखिए वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त, जो ईडन रोड के स्टोर हैं उन पर अवेलेबल नहीं है, तो मेरी कोशिश होगी अगर हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी बना देंगे। अब एक शॉर्टली सा ओवरव्यू जो ईडन रोड की फ्रेग्रेंसेज का है वो मैं आपको दे दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ईडन रोड में से कौन सी फ्रेग्रेंस हमें लेने वाली है, कौन सी नहीं लेने वाले। और साथ एक मुझे काफी दोस्तों ने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने शुरू में दिया है, काफी दोस्तों ने बड़े फजूल फजूल से बड़े मतलब ऐसे ऐसे मैसेज किए कि ये जे डॉट का स्टोर हमारे शहर में कहाँ पे है, इस तरह के उन्होंने मेरे से सवाल आप पूछे हैं। तो देखें अगर आपने इस तरह के कुछ स्टोर ढूंढने हैं तो उसकी सबसे अच्छा तरीका उसकी वेबसाइट पर जाएं, आपको वहाँ स्टोर लोकेटर की मतलब ऑप्शन होती है, वहाँ उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। बारकर उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप नंबर मांगे हैं, तो एक भाई ने मुझे मशवरा दिया था, ये कमेंट बॉक्स में आइडिया आया था कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाते, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी और हमें एक दूसरे से आइडियाज शेयर करने में आसानी होगी। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक लगा हुआ है, आप अपने मोबाइल से उसको क्लिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और कुछ फ्रेग्रेंसेस मेरे पास इस वक्त अवेलेबल, हाँ अब दूसरी बात यह है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं वीडियो बनाना पहले चाहता था, कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं सका, मैं आउट ऑफ सिटी था, और दूसरा फिर हमारा यहाँ कोरोना वगैरह का मसला, हमारे पंजाब में भी इसको लॉकडाउन, सिंध में भी लॉकडाउन हुआ हुआ है, पंजाब में भी लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो जिस वजह से कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मैं नहीं बना सका। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई लॉकडाउन किया भी है तो देखिए हमारे लिए ही किया है, तो हमें इसके उनको साथ लेके चलना चाहिए, हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, तो अवॉइड करें इस चीज़ से, बचें, अल्लाह हम सबको इससे बचा के रखे, हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी, आफियत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। हमें खुद के लिए भी ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी और को भी मसला ऐसा ना बने, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, ये थी हमारी आज की वीडियो, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।